कुछ विषय पे बोलने आया, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में जो चल रहा है उसका बारे में थोड़ा बोलने आया। मेरा साथ आया है, मेरा जो लेफ्ट में है कौन जिरजो जोतम, जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और मेरा ये राइट में है योगी गंगा, सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इस दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी और सारे अरुणाचल के लोग युमसेन मातेस साहब का फैमिली का साथ है, तिराप चांगलांग लोगों का साथ है और हमेशा साथ था, हमेशा साथ रहेगा। ये शब्द रखते हुए अरुणाचल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को ये पूछने आया, ये आज पहली बार नहीं है। इससे पहले आप लोग भी सुनते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे सोशल मीडिया में एब्डक्शन का भी आता है और कोई कोई तो मीडिया में भी पता नहीं चलता है, लेकिन गवर्नमेंट का कानून तक तो पहुंचता ही है। गांव वालों को हरासमेंट करना, गांव वालों को एब्डक्शन करना, बहुत चीज़ें ढेर सारा ऐसे आते हैं, पहले से तो जान ले ही रहा है। उसी कॉन्सेंसी से लास्ट टाइम तिरन आबो साहब का लाइफ तो ले लिए। फिर इस बार इलेक्शन का सामने जब आसपास आया, फिर युमसेन माते साहब का जान गंवाना पड़ा। क्यों? गवर्नमेंट का क्या, हमारे अरुणाचल गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस इतना कमजोर हो गया क्या? एक सिटिंग एमएलए का मर्डर हुआ, फिर अभी फॉर्मर का मर्डर हुआ, क्या ऐसे चलते रहेगा क्या अरुणाचल में? हम लोग का सिक्योरिटी इतना कमजोर हो गया क्या? कारण क्या है और क्यों है? और उसी के साथ युमसेन माटे साहब का तो जान चला गया, अभी है आपका लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का भी पांचों वा का कॉन्स्टिट्यूएंसी से अभी भी एब्डक्शन किया हुआ है, लगभग एक महीना होने वाला है। एक उधर का एक गांव का राजा को अभी भी एब्डक्शन किया हुआ है, एक गांव बुरा को भी, राजा का नाम है चिंगसाम वांगहाम, चोप बस्ती का राजा भी अभी तक एब्डक्शन में है। और उसी के साथ चोपकू गांसा, ये गांव बुरा है उसी चोप बस्ती का, अभी लगभग एक महीना होने वाला है। गवर्नमेंट सो रहा है या क्या कर रहा है? ना गवर्नमेंट धरा हुआ है। और उसी के साथ ये स्टेट गवर्नमेंट का तो पहला तो है ही, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट भी आप सब भी देखे होंगे, खुद अमित शाह और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में नागा पीस एकॉर्ड चल रहा था, दिल्ली में वार्ता चल रहा था। अरुणाचल के लोगों को क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा है? परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं ला रहा है? ऐसा है, उधर का लोग नहीं बतकेगा तो मेरा घर का लोग, मेरा किलाब नहीं होगा तो बाहर का आदमी हमको आके क्यों अटैक करेगा? उधर का युवा, उधर का यूथ कहीं ना कहीं भटका हुआ है, उसी वजह से ये समाज में इनडिसिप्लिन फैल रहा है। तो गवर्नमेंट जो है उसको परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं ला पा रहा है? और जब एक आदमी को, वो भी परमार एमएलए को, जब एब्डक्शन करके मारने का प्लानिंग कर रहा था, ये तो एक दिन का प्लानिंग नहीं होगा या एक रात का प्लानिंग तो होगा नहीं, या ऐसे झगड़ा में, आपस में झगड़ा करके सदनली मारदार ऐसा तो हुआ नहीं, ये
ये तो एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र रचा गया है, प्लानिंग है। तो कुछ साल से कुछ महीना से प्लानिंग कर रहा था होगा, हम लोग अभी ह्यूमसेन माते को एब्दाक करना है और मर्डर करना है। तो जब इतना दिन प्लानिंग कर रहा था, हम लोग का गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस रिपोर्ट या गवर्नमेंट का सिस्टम कहाँ में था और क्यों सोया हुआ था और ऐसा सोते रहेगा क्या? और ये चीज जो है अरुणाचल का लोगो, हम लोग ये नहीं सोचना है ये तिराप चांगलांग पे हो रहा है, गलत है ये। तिराप चांगलांग पे नहीं हो रहा है, ये सारा अरुणाचल को अटैक कर रहा है। और उसी तरह अभी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो सिर्फ तिराप चांगलांग का इश्यू नहीं है। अभी आपका मीडिया बंधु लोग को तो हम लोग क्या बताएगा, आप लोग खुद ही मालूम है। कहीं नाला से दैत बुद्धि मिल जाता है, कभी कोई बच्चा गायब हो जाता है, कभी कोई लड़का किडनेप हो जाता है। अभी कुछ साल से तो यही चल रहा है, कैपिटल में भी हो रहा है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है। कितना का दाता हम लोग गिनवाए, फिर भी ये गवर्नमेंट जो है शायद सोया हुआ है या पब्लिक को मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। हम लोग गवर्नमेंट सोते रहो, हम लोग गवर्नमेंट पब्लिक का आवाज को अनसुना करो, पब्लिक मर भी जाए, पब्लिक को किडनेप हो भी जाए, पब्लिक कुछ भी हो जाए, सीएम का कुर्सी पेमा खांडू ही संभालेगा, डिप्टी सीएम का कुर्सी चोना में नहीं संभाले। उन लोग मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड अरुणाचल का लोगों को ले लिया, ये बहुत ही सीरियस इश्यू है। और उसी के साथ कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये भी अपील करना चाहूँगा, तिराप चांगलांग का लोगों को शांति बनाए रख के, हम लोग आपका साथ है अरुणाचल का लोग, आप लोग शांति बनाए रख के, आप लोग का युवा लोग को भी जितने यूथ है जो रास्ता से भटक रहा है उसको भी आप लोग भी कोशिश करें भटके हुए लोग को सही रास्ता पे लेके आए। और गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द किसी भी एजेंसी को डालो, सीबीआई डालो, निया डालो, जो भी डालो, जल्द से जल्द जो कल्प्रिट है उन लोग को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन लोग को कैपिटल पनिशमेंट दे। और उसी के साथ मैं पेमा खांडू गवर्नमेंट को और अरुणाचल का होम मिनिस्टर को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये अपील करना चाहूँगा, अभी ऐसे भी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम ऑल मतलब पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के तिराप चांगलांग का जितना भी एस्पायरिंग कैंडिडेट है, ये तो आपसी रंजिश भी लगता है इसलिए बोल रहा है, जितना एस्पायरिंग कैंडिडेट है सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए जल्द से जल्द, ये पहला मांग। और दूसरा मांग, उधर में तिराप चांगलांग का जितना पब्लिक है, बच्चे से लेके बूढ़े तक जवान सबको कैसा होने से उन लोग का सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, उन लोग को कैसे होने से शांति से जीने देगा गवर्नमेंट, ये चीज जल्द से जल्द एक मैकेनिज्म डेवलप करे और ऐसा किसी और की हत्या ना हो। ये बहुत मतलब दिल को छूता है ये सब सोच के, कभी कभी बोलने भी दिल नहीं होता है, जो फोटो में वायरल हो रहा है डेथ बॉडी देख के रात को नींद भी नहीं आता है, इससे कैसे अपने ही लोग थे। तो सिस्टम में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है चीज को सीरियसली नहीं ले रहा है। अगर सीरियसली जो गया गया तिरुनाबो साहब को मारने का बात से अगर गवर्नमेंट सीरियसली ले लेता, दाउल इंजिन सरकार जो है
इसलिए कभी कभी ऐसा भी लगता है मुख से तो चिल्ला रहा डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार भी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में पब्लिक को कुचलने का काम कर रहा है क्या, पब्लिक का आवाज़ को दबाने का ही काम कर रहा है क्या, पब्लिक का इंटरेस्ट में नहीं करके, ऐसा ना हो इसलिए अरुणाचल का लोगों को भी और तिराप चांगलांग का लोगों को भी कांग्रेस फैमिली यही अपील करना चाहेगा, शांति बनाए रख के खुद पे विश्वास रखिए और खुद को विश्वास करते हुए आपसी विश्वास रखते हुए हम सब मिलके सिस्टम को जगाना है, ये सोया हुआ गवर्नमेंट को जगाना है, हम सब खुद को बचाना है, किसी और को युमसेन माते साहब जैसा होने ना दे, किसी और को ये राजा को जैसे किडनैप हुआ कल और ऐसे न्यूज़ ना आए, इसके लिए जितने अरुणाचल के लोग हैं, जितने अरुणाचल के पब्लिक है, जितने अरुणाचल के आवाम है, अभी हम लोग को जागना है। है उसका घर में चल रहा चलने दो ये नहीं सोचना है, इनका घर में चल रहा चलने दो ऐसा नहीं सोचना है, तिराप में हो रहा है लंगदंग में हो रहा है ऐसा नहीं सोचना है, कल कैपिटल पहुंचने के लिए टाइम नहीं लगेगा, अगर कैपिटल वालों नहीं जगेगा या यहाँ का जितना स्थान वेस्टर्न साइड का लोग जैन नहीं जागेगा, उधर में चल रहा है चलने दो ऐसा सोचेगा, हम लोग नहीं जागेगा और भी खराब टाइम आने वाला है, इसलिए ये कांग्रेस फैमिली का अपील है, पब्लिक जाग जाना है, गवर्नमेंट को जगाना है, शांति बनाए रखते हुए गवर्नमेंट को जगाना है, सेल्फ सिक्योरिटी कैसे होगा, गवर्नमेंट को अवगत कराना है, गवर्नमेंट को जगाना ही पड़ेगा, ये गवर्नमेंट नहीं जगेगा इससे भयंकर चीज भी होने वाला है। अभी कोई कोई उधर का लोग आप लोग भी फोन किए होंगे, बताने के लिए भी तैयार नहीं है, सब धरा हुआ है, वो धर को कैसे हटाए, अभी पेमा खांडू गवर्नमेंट सोचना ही पड़ेगा और सोचने से नहीं होगा, एक्शन पे आना पड़ेगा और कल्प्रित लोग को पकड़ के जल्द से जल्द जेल में डालना पड़ेगा। और यूनियन गवर्नमेंट को किस लिए ब्लेम कर रहा है, जितना तक अभी रिपोर्ट मिल रहा है आप लोग का थ्रो भी, उधर हम लोग अपना सोर्स से भी बहुत लोग से बातचीत चल रहा है, जो लोग कल्प्रित थे म्यांमार चले गए, उसका मतलब बॉर्डर में फ्री से आना जाना चल रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर को आना जाना फ्री से हो रहा है, या म्यांमार से बैठ के या कहीं और से बैठ के ऑपरेट कर रहा है, वो सिस्टम को खत्म करना बंद करना वो तो यूनियन गवर्नमेंट का ड्यूटी है, अमित शाह का और नरेंद्र मोदी जी का ड्यूटी है, और अरुणाचल को भी ध्यान दीजिए, अरुणाचल का लोगों को बचाइए, हम लोग को भी जीने दीजिए, ये बोलने आया, धन्यवाद। आप लोग जो जो फॉर्मर एमएलए थे कांग्रेस से कॉन्टेस्ट करने वाला था, अभी देखिए वो किस पार्टी में थे, कौन सा पार्टी में रहा, वो सब ना डिस्कस करना है, ना डिस्कस करने दिल है, किसी भी पार्टी में था वो अरुणाचल के नेता थे, अरुणाचल का नेता रह के अरुणाचल का लोगों को तिराप चांगलांग का लोगों को उसने सर्व किया, वो किस पार्टी में था कहाँ था उसको मैं ना ढूंढना चाहूँगा ना बोलना चाहूँगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो नहीं थे, पहले था लेकिन जब से हम लोग का गवर्नमेंट गया वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, हम लोग से कोई मतलब टच में नहीं था, लेकिन जो भी हो समाज का तो नेता था, अगर ये बहुत बड़ा त्रित है, ये चोनामेन को भी त्रित नहीं है, पेमा खांडू को भी त्रित नहीं है, जो समाज को लीड कर रहा है वो आदमी को टारगेट कर करके मारना, ये तो गवर्नमेंट को थ्रेटनिंग दे रहा है, हम लोग ये कर सकता है कल, अब तो काम पहुंच सकता है, तुम तो काम पहुंच सकता है, ये तो दिखा रहा है ना, ये चीज को तो गवर्नमेंट झांकना पड़ेगा, पार्टी को छोड़ दो।